गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन फिजिकल एजुकेशन क्लास। टुडे वी आर कंटिन्यू लेसन नंबर 9। टुडे टॉपिक इज डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो द टर्म ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड विद फिजिकल चेंजेस एंड इट कैन बी व्यूड एंड मेजर्ड। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज साइज, वेट, बिकम लार्जर एंड हैवियर। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ग्रोथ क्या होती है, हमको दिखती है और हम उसको मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट मीन्स इंडिकेट्स, डेवलपमेंट इंडिकेट्स एडवांसमेंट, प्रोग्रेसिव चेंज एंड गेनिंग मैच्योरिटी। तो दोनों में ये अंतर होता है। उसी ग्रोथ की, ग्रोथ चूंकि डेवलपमेंट में ही आता है तो उसकी स्टेजेस क्या होती हैं ग्रोथ की, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक, फर्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल। प्रीनेटल कंसेप्शन टू बर्थ, यानी गर्भावस्था की बात कर रहा है। सेकंड है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स। फिर है चाइल्डहुड, 3 से 4 साल से 12 से 13 साल तक। एडोल्सन, 13 से 19 साल। एडल्टहुड, 20 से 60 साल तक। और ओल्ड एज मतलब 60 साल से ऊपर। कुछ बुक्स में चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। तो मेन ये 6 है। फर्स्ट हमारा है प्रीनेटल स्टेज। तो द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड, इट स्टेज आर जाइगोट, देन एम्बेरो, देन फूटस। तो बच्चों इस स्टेज में भ्रूण बनता है, स्टार्टिंग हमारी जाइगोट से होती है, फिर एम्बेरो से, फिर फूटस से। तो जो डेवलपमेंट होता है वो मदर्स वुम्ब में होता है, यानी माँ के गर्भ में होता है। सबसे फास्ट इसमें ग्रोथ आपको मिलेगी। और ड्यूरिंग दिस स्टेज मदर हैज टेक टू प्रॉपर डाइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस। माता जो होती है फ्यूटस के लिए, अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा आहार लेती है, डॉक्टर के पास जाती है और उसकी सलाह से ही वर्क करती है, दवा लेती है। और बच्चों टीके वगैरह भी लगते हैं माताओं को, और एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनके लिए रखा जाता है। तो ये प्रीनेटल स्टेज में आता है। सेकंड हमारा आता है इन्फेंसी, कितने साल से कितने साल तक मैंने बताया, बर्थ टू 2 ईयर्स तक इन्फेंसी। तो स्टेज फ्रॉम बर्थ टू एंड ऑफ 3 ईयर्स, ग्रेस्पिंग पावर, थिंकिंग एबिलिटी वेरी फास्ट। तो होता क्या है बच्चों कि ग्रेस्पिंग मतलब होता है लोभी स्वभाव। बच्चे कोई भी सामान, आप जैसे खेल रहे हैं, आपने कुछ दिखा दिया उनको, तो उनको वो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, रोने लगेंगे, जिद करते हैं, तो वो उसको लेकर खेलना अपना शुरू कर देते हैं। और थिंकिंग एबिलिटी बहुत फास्ट होती है उनकी, वो सोचते हैं ये क्या है, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, डिपेंड ऑन अदर्स। बच्चों इस एज में क्या होता है, बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्यों, वो अपने जो डेली रूटीन के वर्क हम लोग करते हैं बच्चे थोड़ी कर सकते हैं अपने आप, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उनको भूख लगे, प्यास लगे, फूड और थर्स्ट के लिए वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। सेल्फिश एंड अनसोशल, बच्चों इस एज में बच्चे जो होते हैं सेल्फिश होते हैं। जैसे मैंने आपको खिलौने वाला एग्जांपल दिया, अब यही खिलौने दूसरे बच्चे के पास होता तो उसको छीन लेते, ठीक, क्योंकि पकड़ने की क्षमता तो है ही है, वो छीनते उसको, उसके लिए झगड़ा कर लेते, उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो अनसोशल होते हैं क्योंकि सोसाइटी से उनका कोई ज़्यादा, किस पर निर्भर करते हैं, माता पे निर्भर करते हैं, भूख प्यास लगी मम्मी के पास, बहुत ज़्यादा पापा के पास, तो उनके लिए सोसाइटी बहुत छोटी है, इसलिए वो अनसोशल है। ठीक, अपना मतलब है बस। इमोशनली अनसोशल, बच्चों इनके अंदर जब टोटली इमोशन एक तरीके से होते ही नहीं, आप देखेंगे वो अनसोशल है, अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड क्या है बच्चों, अनुकरण विधि, बच्चे नकल करते हैं। अगर इनको आपको लर्न कराना है तो इनके लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है, इमिटेशन मेथड।
और ये कैसा काल होता है, बिलीव्स एंड फैंटेसी का। बच्चे जो होते हैं कई चीजों पे बिलीव करने लगते हैं, ठीक, उनका विश्वास रहता है, जैसे अपनी माता पे रहता है, कुछ भी होगा मम्मी खड़े पापा खड़े, उनको डर नहीं लगता, और कई बिलीव होते हैं, और एक कल्पनाशील दुनिया में रहते हैं बच्चे। इंटरेस्ट इन सॉलिटेटरी, वो बच्चों एकाकी स्वभाव पसंद करते हैं, वही जब तक पेट भरा है भूख नहीं लगी तब तक अकेले में खेलने में मस्त, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों अपने आप को बैलेंस करने की सीधी कोशिश करते हैं और अपने बिग मसल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये मोटर डेवलपमेंट भी होता है, और केवल फीडिंग पर, अपने पेट भरने पर, और सफिशियंट रेस्ट एंड स्लीप लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्डहुड, 3 से लेके 12-13 साल तक माना जाता है। तो चाइल्डहुड में आप देखेंगे कंसंट्रेशन पावर एंड थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज, क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन पावर और थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है इसकी अपेक्षा। सोशल क्वालिटीज स्टार्ट डेवलपिंग, चूंकि इस एज में 4 साल के बाद बच्चे बाहर निकलना, किसी घर जाना, या कुछ दिन बाद तो स्कूल भी जाने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि वो इमिटेशन मेथड को फॉलो करते हैं, अनुकरण विधि को, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं लोग एक दूसरे की मदद करें, धीरे धीरे उनमें भी सोशल क्वालिटीज डेवलप होने लगती। लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशन एंड बिहेवियर, बच्चे जो होते हैं इसमें अपने इमोशन और मतलब व्यवहार को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इमोशन और भावनाओं को और व्यवहार को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक। पर यहाँ तो जिद थी, यहाँ बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक अपने व्यवहार को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, ठीक। स्ट्रांग मेमोरी हो जाती है, हैव देयर आइडियल्स एंड ट्राई टू इमिटेट देयर आइडियल्स। तो बच्चों क्या होता है कि इस एज में 12 साल तक है, इनके अपने आइडियल्स होते हैं, आइडियल्स आप कह सकते हैं चाहे मम्मी पापा हों, अध्यापक हों, या और कोई घर पे हो, या आजकल मनोरंजन के साधन आ गए हैं, टीवी वगैरह बच्चे देखते हैं, कार्टून फिल्में, सुपर हीरो, या उनको कोई करेक्टर बड़ा अच्छा लग गया, तो आप देखते ना इसी एज में तो पूछते हैं बड़े होकर क्या बनोगे, कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, तो वो क्या होते हैं उस कैरेक्टर को अपना आइडियल मानते हैं और उन्हीं की वो नकल करती है। आप देखते होंगे टीवी वगैरह में सुपर हीरो की फिल्मों में जो बच्चों के लिए बनाया जाता है उसमें लिखा रहता है कृपया इसका अनुकरण ना करें, थम्सअप के प्रचार में देखे होंगे कि इसका अनुकरण ना करें, ये काल्पनिक है, वो इन्हीं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी कभी कभी लिखाया जाता है ना अनुकरण, भाई आप नहीं पूछ सकते ना, आप बच्चे हैं। फिर है स्लो स्टेडी ग्रोथ, बच्चों ग्रोथ जो होती है इनकी स्लो हो जाती है लेकिन नियमित बनी रहती है ग्रोथ। और मोटर डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि स्लाइट इंप्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विद स्ट्रेंथ, जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो होती है कोऑर्डिनेशन के साथ ये डेवलप हो जाती है, एंड्योरेंस एंड स्पीड डेवलप हो जाती है। बच्चे जो होते हैं अब प्रॉपर पूरा गेम तो नहीं खेल पाते हैं क्योंकि हम 13 साल तक की बात कर रहे हैं, लेकिन मॉडिफाइड जो गेम होते हैं, जैसे फुटबॉल को हमने कह दिया भाई इधर से उधर मारना, इधर से बहुत छोटा ड्यूरेशन, उनके लिए ये गेम जो है उसको खेलने लगते हैं, टीम की एबिलिटी आ जाती है, टीम कैसे बांटते हैं, चूंकि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो गेम के माध्यम से भी होने लगता है। और इनको गाइडेंस और गुड एजुकेशन की इस स्थिति में बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ये हमने 3 स्टेज आपको बताई, आज की क्लास में इतना ही, एडोल्सन कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।